नमस्कार, रौनक इन्फोटेक में स्वागत है। आज की यह वीडियो आपके लिए HP G2000 मॉडल का लैपटॉप कैसे खोलना है, पूरा डिसेंबल करना है वो बताएंगे। देखिए, ये लैपटॉप है HP का 2000 मॉडल, इसको पूरा हम आपको खोलना बताएंगे, कैसे खोलना है, पूरा डिसेंबल इसको कैसे करना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी निकाल लेनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है, ये खोल लीजिए। इसमें लॉक लगे होते हैं तो आराम से आपको खोल लेना है। एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है और इसको भी आपको ऐसे खोल लेना है, ठीक। देखिए, ये वाईफाई डिवाइस है, इसका भी कनेक्शन आप हटा लीजिएगा और इसके बाद इसका स्क्रू इस तरह खोल देना। ये हार्ड डिस्क होती है, इसका भी कनेक्शन ऐसे उठाना है और यहाँ से ये कनेक्शन इसमें लगा होता है, इसको आप जो है थोड़ा सा आराम से सेफली आप निकाल लीजिए, ठीक है। रैम निकालनी है तो ये दोनों तरफ के कट लगे होते हैं, इनको आपको खींच लेना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं टूट जाएगा, हल्का सा खींचना है और निकाल लेना है इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जहाँ जहाँ स्क्रू लगा हो तो वो सारे स्क्रू आपको खोल लें। देखिए, आपको क्या है, स्क्रू वगैरह प्रॉपर ध्यान देना है, स्क्रू खोलने हैं पूरे, ठीक है। देखिए, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, 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 यहाँ पे, और एक स्क्रू ये राइटर में लगा होता है, ठीक है, एक ये हार्ड डिस्क के नीचे लगा होता है, तो ये सब ध्यान देना है और सारे स्क्रू आपको खोल लेने हैं। इसके बाद राइटर को आप जो है कुछ इस प्रकार जो है इसको खींच लीजिए आगे को, तो ये निकल आएगा, ठीक है। इसको भी आप किनारे रख लीजिए। इसके बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे, ये खुलेगा, ये कीबोर्ड आपको खोल, बहुत ही सावधानी से सारे काम करने हैं, लॉक टूट भी सकता है, तो ये सारे लॉक आपको समझ लेने। ठीक है, देखिए इस तरह ये लॉक लगे हुए हैं, और ये सारे लॉक आपको खोल लेना, ठीक है। देखिए, ये कीबोर्ड जो है निकल आया है, ये यहाँ पर इसका कीबोर्ड का कनेक्शन है, इसको भी आपको हटा लेना, ठीक है। कीबोर्ड निकल आया है, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ स्क्रू लगे होंगे, तो उनको भी आपको निकाल लेना है अगर आपके लैपटॉप में लगे हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये टच पैड की केबल फंसी होती है, ये चीज़, इसको भी आपको इस तरह निकाल लेना है। यहाँ पे पावर केबल की एक, ये जो पावर ऑन की बटन होती है, ये लगी होती है केबल, तो इसको भी आपको निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आप जो है आपको ध्यान देना है, ये देखिए, ये कॉर्नर पे आपके पास स्क्रू ड्राइवर देखिए होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे स्क्रू ड्राइवर होने ज़रूरी है। देखिए, खुल गया है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा आपका लैपटॉप खुल चुका है, ठीक है। ये पूरी मेन प्लेट होती है, अगर मदरबोर्ड भी आपको खोलना देखना है तो मैं इसको भी खोल देता हूँ वीडियो में। देखिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलेगी। कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, हमारे चैनल में आपको उसका निवारण मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, चार्जर की केबल होती है, इसको मैंने निकाल दिया है, और ये जो केबल है ये डिस्प्ले की केबल है, इसको भी हम निकाल लेते हैं।
ठीक है, ये केबल निकल आई है और ये केबल लगी हुई है स्पीकर की, इसको भी आपको निकाल लेना है। अगर आपका यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है तो स्क्रू ज़रूर यहाँ से खोल लेना है, यहाँ स्क्रू लगा हुआ है तो खोल लेना है, यहाँ लगा है तो खोल लेना है, जहाँ जहाँ स्क्रू लगा है तो उसको खोल ज़रूर लेना है। खोलते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करिए, नहीं तो टूट सकता है, और अगर हल्का सा भी एक जैक ख़राब हुआ तो पूरा मदरबोर्ड आपका डेड हो जाएगा। बहुत सावधानी से खोलना है, इसके बाद आप इस तरह उठा सकते हैं। देखिए ये मदरबोर्ड आपका निकल आया हुआ, ठीक है। यहाँ ये प्रोसेसर लगा है, ये फैन है, फैन भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं अगर धूल डस्ट है, यह कनेक्शन होता है, और ये चारों सांचे आप खोल के ये पूरा आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस तरह ये खुला है उसी तरह आपको प्रॉपर पैक कर देना है। चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके ये चैनल आपके लिए उपयोगी बहुत रहेगा, अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए हैं ये उपयोगी रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।